अपने जीवन में अगर आप सुख अनुभव करना चाहते हैं, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में अपने गुरु के साथ जुड़ना चाहते हैं और जब तक गुरु जिंदा हो तब तक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसी विद्या जो श्री कृष्ण ने सारी गोपिकाओं को गोकुल में प्रदान की, ऐसी ही विद्या को, तारा तारिणी विद्या को आज आपको मैं देने जा रहा हूँ। थोड़ा कठिन है, लेकिन जो इस तारा तारिणी साधना को आज संपन्न करेगा उसके जीवन में कभी दुख भोगने का होगी, दुख आया भी तो आनंद के साथ उस दुख को भोगने की शक्ति रखेगा, ये मेरा विधान है। वैसे जीवन में मैं भी हूँ, मेरे को भी पति पत्नी बच्चे सब है, मुझे भी दुख वगैरह आते हैं, लेकिन सहन शक्ति करने की हो या उस सुख को अनुभव करने की हो विद्या, मैं गुरु के चरणों में रहकर श्रेष्ठता के साथ अनुभव करता हूँ और आपको भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही अनुभव करें। कभी हम अपने जीवन को असमर्थ ना बनने दें। असमर्थ का होता है, कोई आया एक थप्पड़ मार दिया, सर थप्पड़ मार के गया, अरे सारे एक थप्पड़ मारा, दो थप्पड़ मारने की क्षमता रखो, आज का जीवन ऐसा है, आज अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो तुम तुम्हारे जीवन में नहीं जी सकेंगे। मैं बहुत आप मैं मुझे बुरा मानो या भरा मानो, मैंने बहुत सारे लोगों से, गुरु जी मैं रोज़ योगासन डालता हूँ, गुरु जी मैं रोज़ रेखी विद्या करता हूँ, गुरु जी मैं फलाने वास्तु शास्त्र के साथ रहता हूँ, अरे कभी तूने योग विद्या की किसके लिए? तेरे लिए। वास्तु दोष किसके लिए? तेरे घर के लिए। आज तूने साधना की तेरे लिए, समाज के लिए तूने क्या किया? आज अगर हम हमारा पूर्व देखते हैं तो हर एक व्यक्ति तो अपना घर की ही नहीं, आज हर घर की इस तरह की परिस्थिति है, अपनी पगार आती है तो पत्नी के हाथ में दे या माता के हाथ में दे, पहले यहाँ से शुरू हो जाता है मामला, पत्नी के हाथ में तो माता नाराज, माता के हाथ में दे तो पत्नी नाराज। हम उस एक संसार को लेकर चलना ये हमारे बस की बात नहीं है आजकल, ना उधर माता पिता को सुखी देख सक रहे हैं, ना अपने पत्नी बच्चों को सुखी देख सक रहे हैं, ना अपने घर वालों को, बात आज हम भूल गए हैं कि अपने कभी रिश्तेदार अपने घर में आकर खाना खाया करते थे, अपने घर में आनंद मनाया करते थे, एक श्रेष्ठता के साथ हम सब लोग मिलकर जीवन जीते थे, ये तो हम भूल ही गए, क्योंकि आज संसार में हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पास ना धन है ना उनको सुख देने की हमारे पास क्रिया है, ना हम कुछ कर सकते। इस प्रकार की इस क्षण को हम जीवन में मिटा दें। हम देखें, मैं ये चाहता हूँ अगर उस समय में 100 वर्ष 1000 वर्ष लोग जीते थे तो योग करना ठीक है, उसके 30 साल तक वो योगासन करता था, योग करता था, दूसरी साधनाएं करता था, आज है ही 60 साल, उसमें 20 साल पढ़ाई में गए, 20 साल पत्नी के साथ गए, बूढ़ा हो गया तो बुरा, गुरु साधना कहाँ से हो, 60 साल में तो खत्म उसका सब कुछ हो गया, अब वो साधना कब करें। ये सब करते हुए लोग मुझे कहते हैं योग का अर्थ हमारे में क्या होता है कि तुम्हारी कुंडलिनी जागरण होकर तुम्हारी श्रेष्ठता को प्राप्त करना, तुम्हारा ज्ञान बढ़ना, तुम्हारी संसार की मोहमाया को, ब्रह्मांड को देख सकना, ये तो तुमने छोड़ ही दिया। योग में क्या है, तुम्हारा पांव दर्द दे रहा है ये आसन डालो, सर दर्द दे रहा है ये आसन डालो, आंख ठीक नहीं है ये आसन डालो, अरे इसके लिए तो डॉक्टर बैठा हुआ, योग आसन डाल के तुम्हारा जीवन क्यों बर्बाद कर रहे। तुम एक नौकरी करने वाले, आजकल जो कंप्यूटर में नौकरी करते हैं आप देखो उन लोगों को जो रात में अमेरिका से यहाँ घर में बैठे साथ नौकरी कर रहे हैं, उनको रात में नौकरी करनी पड़ती है, रात भर नौकरी करते हैं, सुबह सोते हैं, हमारे पास सूर्योदय के पहले योग कर उठकर योग करना है, अब पत्नी बच्चों को भेजना है तो वो कब योग करें, पति को ऑफिस भेजना है तो वो योग कब योग करें। और ये योग का साधन ये आजकल के युवा ने, हमारे भारत में आजकल हर जगह इतना पोल्यूशन बढ़ गया है, अगर आप प्राणायाम करो, श्वास को एक बार खींचो और उसको कुंभक करो तो आप एक महीने के अंदर जरूर आपको टीबी होगी, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि आपके लंग्स पूरे उसमें सुराख पड़ जाएंगे। हम उस पोल्यूशन को बचा सकते हो क्या? ऐसा योग करना है क्या? ऐसा प्राणायाम करना है? इसलिए गुरुजी ने मार्ग अपना कर कहा था कि तुम साधनात्मक करो, तुम्हारा जीवन बहुत कम है, तुम्हारे जीवन में तुम कुछ, आज भी मैं कहता हूँ तुम्हारे जीवन में केवल महीने को 5 दिन मुझे दे दो साधना को, बाद में तुम्हारा जीवन तुम कैसा भी जियो, तुम्हारे जीवन को अगर नहीं सुधारा तो करना मैं अगली बार दूसरे ही, केवल 1 महीने में 5 दिन मुझे दे दो साधना करने के लिए, तुम्हारे जीवन में वह सुख समाधान मैं तुम्हारे की ढूंढ कर दूंगा। क्योंकि गुरु जी इतनी साधनाएं बताई, तुम्हारी हर समस्या का समाधान गुरु जी के हर पुस्तक में, हर साधना की किताब में मिलता है। गुरु जी ने कभी नहीं कहा, आज अपने को एक मानव में बता दिया जाए तो आप कुछ बुरा नहीं मानना, हमें नपुंसक बनाया जा रहा है रीति के नाम पर, कहीं उस नीचे बैठो, इसके नीचे बैठो, वहां जाओ, यहां जाओ। हम आज हमारी स्थिति यह है कि हम हमारे लिए जी रहे हैं, हमारे घर के बगल में अगर कोई बच्ची को उठा लेकर जा रहा है या गन से मार रहा है तो हम जाकर उसकी रक्षा नहीं कर सकते, हमारे इतना दम नहीं, अरे मां के बेटा अंदर जाओ, पति के अंदर जाओ, ये काय को जाते हो झगड़े में, जान दो ना,
और हमारा पहला जीवन ऐसा ही था। पहला जीवन था, अगर कुछ घर में हो रहा है तो गांव में भी हुआ तो गांव में सब लोग इकट्ठा होकर रहते थे। हमारे घर में अगर पुराने पूर्वजों को देखते हैं तो हर एक पूरे आदमी खेती को जाता था, कहीं मेरे हाथ में लट लेकर जाता था, मर्द था वो। और आज वो हमारी मर्दानगी वो हमारे पास नहीं है। हम तुम्हारी बाजू को या हमारे तुम्हारे घर में तुम्हारी बच्ची बीवी को कोई अगर छेड़ता है तो तुम्हारी भी रक्षा करने की शक्ति नहीं है, ऐसे हो गए हो। तुम काली की साधना करो, तुम वज्र साधना करो, तुम इतने सामर्थ्यवान बनो मंत्र का आगे बोले तो वो भस्म हो जाए। ये जब तक तुम्हारे में नहीं आता तुम्हारा भर इसी तरह रहेगा, तुम कुछ भी काम के व्यक्तित्व नहीं रहोगे। तुम जब तक श्रेष्ठ नहीं होते, तुम्हारे बीवी बच्चों की रक्षा नहीं करे, तुम्हारे माता पिता की रक्षा नहीं करे, तुम्हारे देश की समाज की रक्षा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन इसी तरह बीतेगा। और आगे का जीवन हमारा भारत का उद्धार होगा ऐसा मैं कभी नहीं देखता। हमें नपुंसक बना दिया जा रहा है। गुरुजी साधना के मार्ग से कहते थे कि तू काली क्षेत्र बहुत लोगों को सुनता हो, मुझे काली प्रसन्न है। किस बात में भाई? तेरे घर में तेरे गांव में लोग आकर गन से मार दे रहे हैं, तेरी काली शक्ति किसको काम की? तेरी बगलाम की शक्ति किसको काम की? कभी तूने समाज के लिए उपयोग किया उसका? तू तेरे लिए जीता है, अपने लिए जीने वाला तो पशु भी है। आहार भय निद्रा भय मैत्रंच पशुवीर नाराणा विक्षण। आहार खाना, खाना बच्चे पैदा करना, सोना और भय से रहना, पशु में भी है हमारे में भी। हमारी विशेषता क्या है? हम क्या विशेषता? हम जीवन भर में आज इतना ही कर सके, मैं लोन लिया, लोन नहीं फिट रहा, मेरे बीमार हो गए, मेरी बीमारी क्यों आती है? क्योंकि तुमने वह साधना छोड़ दी है जिस साधना से तुम एक श्रेष्ठता के साथ जीवन जीत सकते हो। आज साधनाएं तुम अपने लिए करते हो, समाज के लिए नहीं। तुम एक बार समाज के लिए निस्वार्थ साधना करके तो देखो, देव तुम्हारे भगवान तुम्हारे घर के सामने होगा। होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा? आज सभी को पता है, रावण हो, हिरण्यकश्यप हो, ऐसे राक्षस थे जिन्होंने ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि चाहे ब्रह्मा हो, शिवजी हो, कोई भी हो, भोलेनाथ हो, उनको वरदान देना ही पड़ा। मैं परीक्षा अच्छा लिखता हूं तो मुझे अगर पूर्ण परीक्षा पूर्ण लिखते तो मैं फर्स्ट क्लास आऊंगा या होगा। चैलेंज के साथ कहता हूं मुझे परीक्षा मैं फर्स्ट क्लास आऊंगा। और मैं साधना करता हूं तो मुझे देवता मेरे सामने आना ही है तो आना ही है, क्यों नहीं आएंगे? मैंने वो साधना की है। क्या भगवान को पता नहीं हिरण्यकश्यप को वर देते, वर देने के बाद पूरे वो संसार को खत्म कर देगा? क्या रावण को वर देने के बाद पूरे संसार खत्म कर सीता को उठा दे? भगवान को पता नहीं है? था, लेकिन भगवान मजबूर थे क्योंकि उन्होंने साधना संपन्न की थी, उसको वरदान देना ही था। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, आप भी साधना करो, आप ऐसा वरदान प्राप्त करो लेकिन तुम्हारे पास गुरु हो। आज हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, ये सब इसके इनमें गलती क्या हो गई थी? रावण पूर्ण युद्ध होने के बाद जब मरने के कगार पर बैठा था तब उसने अपनी शक्ति शांभवी माता को, शांकरी कहते हैं, जो आज श्रीलंका में है, जो उसकी देवता थी, उस शांकरी को बुलाकर पूछता है कि शांकरी माता ये तो बता कि मैं इतना श्रेष्ठ रावण शिव जी को, पार्वती देवी को, शिव जी को कैलाश को हिला दिया, पार्वती माता को उठा के लाया, मैं सारी शक्तियों को मेरे पास लेकर बैठा लेकिन एक मामूली मानव राम, मामूली मानव के हाथ में आज मर रहा हूं, तू मेरे साथ रहकर भी, इतनी तपस्या रहकर भी आज मैं मर रहा हूं, ऐसा क्यों मां? एक बार बता दे कि मेरी क्या गलती हो गई। तो माता शांकरी कहती है, हे रावण, तेरे पास सब देवता सब शक्ति थी, तेरे पास गुरु नहीं था। अब रामचंद्र के पास चार गुरु थे, जिसके पास गुरु हो उसको कोई देवता गुरु नहीं हरा नहीं सकता। जिसके पास हिरण्यकश्यप को गुरु नहीं था, रावण को गुरु नहीं था, कुंभकर्ण को गुरु नहीं था, और जिनको गुरु नहीं था उनका मरण उसी तरह होता है, और जिसको गुरु के प्रति विश्वास होता है वो कभी बुरा काम नहीं करता, और जिसको गुरु हो और साधना संपन्न करे वो श्रेष्ठता के साथ जीवन जीता है। यही काम वशिष्ठ विश्वामित्र हरिश्चंद्र आदि से हुआ। और हम जब तक ये नहीं करते तब तक हम हमारे जीवन को सुधार नहीं सकते। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो। आज हमारे आश्रम में निर्मल साहू को तो आप जानते हैं, बहुत प्रेरणा युक्त, सभी को तारा साधना करने के लिए प्रेरणा युक्त बना रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि तारा साधना करो। मैं तो समझता हूँ छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साधक पांच पांच बार भी तारा साधनाएं संपन्न कर चुके हैं। एक बार हाथ उठा के बता दो जिन्होंने पांच बार तारा साधना संपन्न की, छत्तीसगढ़ वाले। और ये साधना करने पर भी वो लोगों को जो फल चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि आज वो ये इस तारा पर साधना को संपन्न करें और छाती ठोक कर गए कि मुझे तारा सिद्ध है, अगली होली तक मैं जगाऊंगा। और जिस दिन ये सुख होगा, तुम ही नहीं तुम्हारे घर वाले भी अनुभव करें कि मेरा बच्चा मेरे घर में है तो मैं बहुत आनंद के साथ हूं। ये मैं मेरा अनुभव कह रहा हूं तुम्हें, मेरे माता जी पिताजी भी तुम्हारे तरह ही। मैं बहुत बार कह चुका हूं, मैं जब साधना में बैठता था तो माता जी पिताजी कहा करते थे, ये साधना से चलता क्या? तेरे सरकारी नौकरी छोड़कर साधनाओं के पीछे पड़ा हुआ है, तेरा जीवन कैसे होगा?
तेरे दो बच्चे हैं उनकी शादी कैसा करेगा, नौकरी छोड़ देके पैसा कहाँ से आएगा। मेरे दोस्त सगे संबंधी सब साधना जब करता था सब लोग छोड़ के चले गए, लेकिन गुरु कृपा से जिस दिन तारा सिद्ध हुई मेरे मेरे जीवन में, मैंने तारा साधना संपन्न किया और तारा साधना सिद्ध हुई। और जब मैं गुरु कृपा से गुरु जी से जो दीक्षा लेकर वापस आया, यही माता पिता यही दोस्त ये सब लोग कहने लगे, तुम दोनों तो माता पिता ब्रह्मा साक्षात शिव विष्णु है, तुम तो ब्रह्मा है, तुम विष्णु है, तुम महेश्वर है, यही लोग कहने लगे जो लोग मुझे गालियां देते थे। ये मेरा अनुभव कह रहा हूँ तुम्हें, साधना को कभी मत छोड़ो, गुरु को कभी मत छोड़ो, उसकी दिव्यता तुम आगे देखोगे कि क्या तुम्हारे जीवन में आया है और क्या तुम्हारे जीवन में होगा। मैं चाहता हूँ कि आज आप सब लोग इस तारा तारिणी की साधना को यहाँ दिव्यता के साथ संपन्न करें। और कल सुबह मैं जिस झरना के पास कह रहा हूँ, यहाँ जो झरना झरता है, कहते हैं कि नरसिंहनाथ मंदिर के पास एक झरना है, उस जल को जल से स्नान करके तारा तारिणी का मंदिर सूर्य उदय होने के बाद रात में साधना करके केवल एक माला जप करो, आप देखो कि आप निश्चित रूप से इस एक वर्ष में तारा का तारा तो सिद्ध होगी होगी, आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी। और जो आज तुम्हें तिरस्कार भावना से देखते हैं, आज कहते हैं तू बेकार है, कहते हैं वो लोग कहते हैं तू महान है, ऐसा नहीं कहेंगे तो कहना मैं गलत हूँ।